जय हिंद दोस्तों, आज 26 जून सैनिक खबरों में सबसे पहले बात करेंगे। अग्निवीर बना युवक, पहले से तय शादी टूट गई, अग्निवीर बनना पड़ा भारी। 1 जुलाई 2024 से ORoT 3 रक्षा मंत्रालय ने लेटर कर दिया है जारी, इस पर बड़ी अपडेट है। और प्रीमेचर रिटायर्ड सैनिकों को ORoT 3, ब्रिगेडियर साहब की जबरदस्त पहल। 8th पे कमीशन पर लेबर ब्यूरो का लेटर वित्त मंत्री को दिया गया है, इस पर बड़ी अपडेट है। और अब सैनिकों की जगह रोबोटिक डॉग करेंगे ड्यूटी। SBI गार्ड में पूर्व सैनिकों की नई भर्ती निकली हुई है, परिवहन विभाग में भी ऑपरेटर की भर्ती निकली हुई है। तो इन सभी खबरों पर बात करेंगे। सबसे पहले हम पहली खबर पर बात करते हैं और ये बड़ी खबर है, अग्निवीर योजना को लेकर। युवाओं पर भारी पड़ रही है अग्निपथ योजना, सुधार के लिए तैयार होगी सरकार। बता दें कि सशस्त्र बलों में भर्ती के लिए लाई गई अग्निवीर योजना की वजह से राजस्थान के बाड़मेर में एक युवक की सगाई टूट गई। दैनिक भास्कर के मुताबिक बाड़मेर के रहने वाले सुरेंद्र सीकर में एक एकेडमी में रहकर NDA की तैयारी कर रहा था, इसी दौरान उसकी सगाई हो गई। सगाई के बाद अग्निपथ योजना में भर्ती निकली तो एयरफोर्स में उसका चयन हो गया। सुरेंद्र ने जैसे ही एयरफोर्स ज्वाइन की, लड़की वालों ने सगाई तोड़ दी। उनका कहना था कि एयरफोर्स में आने के बाद लड़का क्या करेगा। दैनिक भास्कर के मुताबिक सुरेंद्र के परिवार वालों ने लड़की वालों को बहुत समझाया लेकिन वो नहीं माने। दैनिक भास्कर में यह भी बताया गया कि राजस्थान के शेखावटी इलाके में सेना भर्ती की तैयारी करने वालों की आधी से ज़्यादा एकेडमी बंद कर दी गई हैं। जो एकेडमी थी वो आधी से ज़्यादा बंद हो गई हैं और बड़ी संख्या में जो सेना में भर्ती होने का रुझान था वो भी खत्म हो गया है। बता दें, इससे पहले भी एक खबर आई थी, फौज का सपना छोड़ दिया, होटल में काम कर लूँगा, अग्निपथ से टूट गया हौसला। एक युवक था जिसने कहा था कि फौज का सपना छोड़ दूंगा, होटल में काम कर लूँगा, ये काफ़ी वायरल हुआ था, जिसके बाद नेताओं ने इस बात को उठाया था। और बता दें, उसका असर भी चुनाव में आपने देखा है। बात कर लेते हैं, एक बड़ी अपडेट आई है ORoT 3 को लेकर। इम्प्लीमेंट 1 जुलाई 2024 से ORoT 3 को के बारे में लेटर लिखा गया था रक्षा मंत्रालय को। अब रक्षा मंत्रालय का जवाब आया है और बता दें ये जवाब 14 जून 2024 को आया है। लेफ्टिनेंट कर्नल RK भारद्वाज जो रिटायर्ड हैं, इन्होंने सरकार से पूछा था कि ORoP 1 जुलाई 2024 से लागू होनी है ORoP 3, क्या ये इम्प्लीमेंट होगी। तो अब इसका जवाब आया है, सब्जेक्ट है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ORoP 3 वेफ 1 जुलाई 2024। ORoP 3 1 जुलाई 2024 से जो इम्प्लीमेंट होना है, इन्होंने जो लेटर लिखा था उसमें रिप्लाई जो आया है, ORoP 3 हर 5 साल में रीफिक्स किया जाता है और ये कंपिटेंट अथॉरिटी इस पर फैसला लेगी। इसमें जो पूरी बात कही गई है उसमें मैं बता दूं, ORoP 3 भारत सरकार के लेटर 2015 का जो लेटर है में अन्य बातों के साथ साथ निर्धारित किया गया था कि भविष्य में हर 5 साल में फिर से ORoP तय की जाएगी। वर्तमान सरकार 1 जुलाई 2024 से ORoP 3 को लागू करने की शर्त से अवगत है, इस विषय पर काम करेगी, यानी कि अभी काम शुरू नहीं हुआ है, काम करेगी। आप जानते हो कि सरकार के निर्णय लेने में विभिन्न चरण होते हैं और जब कोई भी नीति ORoP जैसे महत्वपूर्ण वित्तीय नीतिगत जो फैसले लिए जाते हैं, इसमें कई चरण होते हैं जिसके बाद ही इसको लागू किया जाता है। यानी कि ORoP के कई चरण होंगे, उसके बाद लागू किया जाएगा। इसका मतलब ये है कि 1 जुलाई 2024 से तो ये लागू नहीं होने वाली है। हालांकि इसमें कई बातें इनमें ऐसी कही गई हैं जो कि इसमें ये कहा गया है कि यह उल्लेखित है कि एजेंसी को ये दिए गए समय में DSW की सहायता करनी पड़ती है। ORoP के तहत पेंशन पुनः निर्धारण की अधिसूचना भारत सरकार की मंजूरी के बाद रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की जाती है। इसे PCDA द्वारा जो है उसको लागू किया जाता है, यानी कि इसके कई चरण हैं और कई डिपार्टमेंट इसको हैंडल करेंगे, जिसके बाद भारत सरकार की मंजूरी मिलेगी और फिर PCDA इसको लागू करेगा। यानी कि अभी ये जवाब नहीं आया कि 1 जुलाई 2024 से लागू होगी कि नहीं होगी। बातों से तो यही लगता है कि इसको 1 जुलाई 2024
से जो देना है वो कुछ डिले होगी, इतना तो इस लेटर से कंफर्म हो रहा है। अब बात कर लेते हैं दूसरी बड़ी अपडेट से। प्रीमेचर रिटायर्ड सैनिकों के लिए एक बड़ी पहल की गई है। हमीरपुर में इंडियन एक्स सर्विसमैन सर्विसेस लीग की बैठक हुई है। पूर्व सैनिकों की कई समस्याओं का मंथन हुआ है। 25 जून 2024 की खबर है। इंडियन एक्स सर्विसमैन लीग की सामान्य बैठक में मंगलवार टाउन हॉल हमीरपुर में ब्रिगेडियर दिलीप सिंह की अध्यक्षता में बैठक हुई है। इस दौरान मुख्य अतिथि सभी जितने थे वे पूर्व सैनिक थे। इस दौरान पूर्व सैनिकों ने आने वाली समस्याओं पर मंथन किया। ECHS पॉलीक्लिनिक में इलाज के लिए कर्नल जयदीप ने जानकारी दी है। बता दें ब्रिगेडियर दिलीप सिंह ने कहा है कि मेरे पास वन रैंक वन पेंशन की विसंगतियों को लेकर JCO जवान की बड़ी संख्या में आते हैं और उनका कहना है कि वन रैंक वन पेंशन 2 में उनकी पेंशन बढ़ने की बजाय कम हुई है और इसमें ज़्यादातर जवान सिपाही से लेकर हवलदार तक आते हैं जो कहते हैं कि वन रैंक वन पेंशन में प्रीमेचर को भी शामिल किया जाए क्योंकि सेना में सबसे परेशानी और घर की दिक्कतों की वजह से जवानों को प्रीमेचर रिटायर होना पड़ता है। प्रीमेचर को वन रैंक वन पेंशन में शामिल कराने के लिए सरकार के सामने मांग रखेंगे। ये ब्रिगेडियर दिलीप सिंह ने कहा है कि प्रीमेचर को भी ORP का हक दिलाने के लिए सरकार के पास इसकी मांग रखेंगे। अब बात कर लेते हैं दूसरी बड़ी अपडेट। 8th पे कमीशन पर खुशखबरी है कि कर्मचारी के लिए खुशखबरी है। 8वें वेतन आयोग का गठन, श्रमिक संगठनों ने की मांग। बता दें 8वें वेतन आयोग पर श्रमिक संगठनों ने एक लेटर वित्त मंत्री को लिखा है जिसमें उन्होंने मांग की है कि पुरानी पेंशन योजना की बहाली की जाए, 8वें वेतन आयोग का गठन किया जाए और जो पुरानी पेंशन योजना है OPS उसको लागू किया जाए। असंगठित श्रमिक और कृषि जो श्रमिकों हैं इन्होंने अपनी मांगों को रखकर कहा है कि न्यूनतम 9,000 रुपये की प्रति माह की जो पेंशन अन्य चिकित्सा शैक्षणिक लाभ मिलते हैं उसको बढ़ाया जाना चाहिए और 8th पे कमीशन का जल्द लागू किया जाना चाहिए, गठन किया जाना चाहिए। बात कर लेते हैं, एक बड़ी अपडेट आई है। भारतीय सेना में जल्द शामिल होंगे तकनीकी से बने खास कुत्ते। LAC पर चीन की तरफ करेंगे, चीन की सेना की का मुकाबला करेंगे। और बता दें इसमें कहा गया है कि ये जो रोबोटिक डॉग होंगे इनमें CCTV कैमरे लगे हैं और वो सारी निगरानी करेंगे LAC की, जो कि बहुत बड़ी अपडेट है। बात कर लेते हैं दूसरी बड़ी अपडेट है, जॉब से लेटेस्ट अपडेट है। SBI गार्ड में पूर्व सैनिकों की भर्ती निकली हुई है। 12 जून 2024 का ये लेटर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से सभी वेलफेयर ऑफिस, राज्य सैनिक बोर्ड, जिला सैनिक बोर्ड को दे दिया गया है। इसमें सब्जेक्ट है रिक्रूटमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन इन परमानेंट वैकेंसीज ऑफ बैंक गार्ड एट ब्रांचेस इन EVS कैटेगरी, EWS कैटेगरी यानी कि इकोनॉमी वीकर सेक्शन EWS कैटेगरी के तहत पूर्व सैनिकों की भर्ती की जाएगी। बता दें ये भर्ती पहले भी निकली थी लेकिन EWS कोटा खाली रह गया था। और क्यों खाली रह गया था? क्योंकि एक्स सर्विसमैन ज़्यादातर अपना जो जनरल कोटा है, OBC है, SC ST कोटा, उसमें तो फार्म भरते हैं लेकिन EWS कैटेगरी में फार्म नहीं भरते हैं, तो वो वैकेंसी खाली रह गई थी। तो इसमें कहा गया है, इन्फॉर्म किया गया है कि जो भी SBI गार्ड में भर्ती होना चाहते हैं EWS कैटेगरी में आते हैं, वेस्ट बंगाल में ये भर्ती होगी। और इसमें बता दें 560 एक्स सर्विसमैन के नाम मांगे गए हैं, 28 वैकेंसी इंटू 20 यानी कि 28 जो वैकेंसी हैं उसमें 20 गुना लोगों को मांगा गया है, यानी कि जो 28 वैकेंसी में 20 गुने लोगों को पहले नाम मांगे गए हैं, इसके बाद 28 EWS कैटेगरी के एक्स सर्विसमैन का सिलेक्शन किया जाएगा 2023-24 के लिए, जो भी इसमें भर्ती होना चाहते हैं। तो उसके लिए बता दें एलिजिबिलिटी जो क्रिटेरिया है इसमें दी गई है 1 अक्टूबर 2020 से, क्योंकि 20 की भर्ती है तो इसमें EWS कैटेगरी की जो भर्ती नहीं हो पाई थी, 45 साल की एज होनी चाहिए और बता दें 8th स्टैंडर्ड मिनिमम पास होना चाहिए। इसमें एक्स सर्विसमैन आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के 15 साल मिनिमम सर्विस होनी चाहिए और इसमें कहा है मेडिकली बोर्डेड आउट नहीं होना चाहिए, वो नहीं स्वीकार है। हवलदार से नीचे रैंक के इसमें भाग ले सकते हैं और बता दें इसमें जो भाग लेंगे एग्जेम्पलरी करेक्टर होना चाहिए या गुड होना चाहिए, इसके बाद सेफ वन होना चाहिए, जनरल ड्यूटी GD वाले इसमें, टेक्निकल वाले सोल्जर इसमें भर्ती हो सकते हैं। और बता दें कि इसके लिए आप अपना 30/6/2024 तक ये नाम
भेज सकते हैं जिला सैनिक बोर्ड के पास और अपने जिला सैनिक बोर्ड के पास जो भी बंगाल के रहने वाले हैं, कलकत्ता बंगाल, वो भर्ती इसमें देख सकते हैं। दूसरी वैकेंसी है हरियाणा परिवहन पहचान प्राधिकरण की तरफ से 1500 पदों पर निकाली गई है, अटल सेवा केंद्र ऑपरेटर की वैकेंसी है। और बता दें इसमें जो भर्ती निकली है इसकी भर्ती 1500 पदों पर है। जो भी पूर्व सैनिक भर्ती होना चाहते हैं 6 जुलाई 2024 तक ऑनलाइन फॉर्म इनकी ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर भर सकते हैं। यह ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक भी दिया हुआ है। तो ये थी जानकारी, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब जरूर करके रखें। थैंक यू, जय हिंद।